सेकेंड ईयर बच्चों के लिए बियरिंग की पढ़ाई हो रही है। बियरिंग एक पावर ट्रांसमिट करने का साधन है। पावर ट्रांसमिट करने के लिए शाफ्ट की जरूरत होता है। शाफ्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बियरिंग एक ऐसा साधन है जिससे शाफ्ट में लगा देने पर शाफ्ट की सुरक्षा होती है। शाफ्ट टूटने से बचता है। दूसरी बात, बियरिंग लगाने से शाफ्ट में ज्यादा गति उत्पन्न होती है, इसलिए बियरिंग एक पावर ट्रांसमिट करने का अच्छा साधन है। किसी घूमने वाले भागों को सहारा देने वाली युक्ति को बियरिंग कहते हैं। जैसे ये घूम रहा है, लेकिन इसको घूमने में यहाँ सपोर्ट की जरूरत है, ये बियरिंग है। बियरिंग इसमें लगा दिया जाता है। बियरिंग जो है ये इसके अंदर का भाग को खिंचाने से रोकता है, क्योंकि शाफ्ट जो है बियरिंग के अंदर ही होता है। अतः शाफ्ट को बचाने के लिए बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग कभी मिल में गए होंगे, इस प्रकार के बियरिंग बैठे होंगे, लगा हुआ रहता है शाफ्ट के अंदर, और शाफ्ट के अंदर जो है पुली लगा रहता है, और पुली के ऊपर बेल्ट लगा रहता है, तो शाफ्ट इसमें रहता है। ये है ठोस। इसके अंदर बियरिंग नहीं है। ये बियरिंग कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और इसी में शाफ्ट को लगा दिया जाता है। शाफ्ट पावर को जब ट्रांसमिट होता है तब शाफ्ट घूमता है, और ये शाफ्ट को घूमने में गति उत्पन्न होता है। ज्यादा गति को रोकने, यानी जब ज्यादा गति होगा तो शाफ्ट जो है वो आगे ऊपर नीचे हो सकता है, उसको रोकने के लिए ये शाफ्ट को अंदर इसमें प्रवेश करके यह नट बोल्ट पर कसा जाता है। पहला है घर्षण बियरिंग। घर्षण बियरिंग है जिसके अंदर शाफ्ट रहता है और घूमता है, उसको हम घर्षण बियरिंग कहते हैं। उस घर्षण बियरिंग में जब शाफ्ट घूमता है, घूमने से उसमें रनिंग होता है, उसमें गर्मी उत्पन्न होता है। उस गर्मी को हटाने के लिए हम उसमें लुब्रिकेंट देते हैं, ग्रीस देते हैं, मोबिल देते हैं, तेल देते हैं। तो ये घर्षण बियरिंग का है। दूसरा है ठोस बियरिंग। ये देखिए ठोस बियरिंग है, ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। कास्ट आयरन में एक बीच में होल है, होल इसलिए है जिसको साफ कराता है, और साफ के एक लकड़ी पर रखकर प्लेट के ऊपर कस दिया जाता है। आप जब भी जाएंगे मिल में देखेंगे ये रहता है जिसमें साफ सबसे शुरू में लगा रहता है। इसके अंदर साफ रहता है। साफ के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं ताकि घर्षण हो तो उसमें गर्म ना हो, इसके लिए इसमें लगाते हैं। दूसरा है बुश बियरिंग। ये ठोस बियरिंग में एक पीतल का बुश होता है, इस तरह से बुश होता है, और इसी के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। जब ये प्रवेश करते हैं तो अभी आप देखें ठोस बियरिंग के अंदर नहीं है, लेकिन साफ जाता है तो यही जो है ठोस बियरिंग ही गर्म यानी टूटता है यानी खियाता है। लेकिन इसको बचाने के लिए, ये ठोस बियरिंग को बचाने के लिए, फिर इसमें एक बुश बियरिंग लगा देते हैं। इस तरह के बुश
उसमें ही लगा देते हैं और फिर इस पे शाफ्ट जो है घूमता है। जब भी शाफ्ट घूमेगा तो ये बुश को ही बर्बाद करेगा, न कि ठोस को बर्बाद करेगा। जब बुश बर्बाद हो जाएगा फिर दूसरा बुश लगा दिया जाता है, उसके बचने के लिए गर्म हो जाता है, उसके लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, ग्रीस देते हैं, चेंज देते हैं। बुश बियरिंग हो गया, बॉल बियरिंग, साइकिल को देखें, साइकिल के दुकान में जाते हैं, देखिए ना बॉल बियरिंग रहता है, उसमें दो परत रहता है, एक बीच वाला एक, लेकिन बीच में एक जगह जगह खाली रहता है जिसमें बॉल छोटे छोटे बॉल होते हैं, वो उसमें बैट लगा दिया जाता है। लगाने के लिए सबसे पहले इसमें ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस लगाने के बाद बॉल को उसमें भर देते हैं। ये आपका बॉल बियरिंग है, ये अक्सर बॉल बियरिंग बना साइकिल है, यानी गति उसको ज्यादा गति करने के लिए हल्का चलने साइकिल या जो भी चीज हल्का चलने के लिए लगाया जाता है, बियरिंग को साफ को बर्बाद होने से ये बचाता है। जब भी इसमें साफ घूमेगा तो बियरिंग ही घूमेगा और पावर को ट्रांसमिट करेगा, ये जल्दी जल्दी काम बहुत जल्द आगे काम करने के लिए बॉल बियरिंग गति को उत्पन्न करने के लिए ये बॉल बियरिंग देता है। तीसरा है ये देखिए रोलर बियरिंग, ठीक इसी बॉल बियरिंग की तरह रोलर है, ये गोल होता है बॉलिंग, लेकिन ये जो है रोलर लंबा होता है, ठीक इस तरह से लंबा होता है, जिस तरह इसके अंदर दो एक लेयर होता है, एक लेयर दो लेयर, उसी प्रकार इसमें भी एक लेयर है दो लेयर है, इसके बीच में यहां से इसे है देखिएगा ऐसा नहीं किया है, और इस सब में रोलर फिट रहता है, रोलर बियरिंग फिट रहता है, जिस तरह से बॉल बियरिंग फिट है उसी तरह ये बॉल बियरिंग रोलर बियरिंग फिट रहता है। ये दोनों काम एक ही है, कहीं रोलर का काम जरूर पड़ता है, कहीं बॉल बियरिंग, लेकिन दोनों का काम शाफ्ट को बचाना ही है, पुली को बचाना ही है।